सलमान खान की अगर मैं कर लूँ बात तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ नाम के ही भाईजान नहीं है, बल्कि ये भाईचारा की अगर मैं बात करूँ तो ये हर किसी के साथ इक्वली बिहेव करते हैं, और जिनके साथ भी ये काम किए रहेंगे उनके साथ ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी इनका बहुत अच्छा रहता है। साथ ही अगर एक बार किसी को मिल ले, एक बार किसी को जान ले, या एक बार किसी की नेचर इन्हें भा जाता है तो फिर हमेशा के लिए इनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखते हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा फोटोज के बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्या चीज को लेके आज सलमान खान का टॉपिक मैं आप सभी के सामने रखी हूँ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफाफूस, मैं हूँ आपके दोस्त और शो के होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि सलमान खान की न्यू मूवी किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो चुकी है। अब इस मूवी में सलमान खान के तीन भाई के किरदार में नजर आए हैं, राघव जुयाल, जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं तीनों का जो भाईचारा है सलमान खान के साथ इस मूवी में, जैसे मूवी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऑफ स्क्रीन में भी इनकी बॉन्डिंग बेहद खास है। मैं आपको बता दूं कि जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम दोनों ही आपस में कोलैब करते हुए इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किए हैं, जहाँ पे भाईजान को गले लगते हुए नजर आए हैं राघव जुयाल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, और भाईजान भी बहुत ही प्यारे अंदाज से, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यार भरा, कहते हैं ना एक बड़े भाई जिस वे से अपने छोटे भाइयों को देखते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वैसे हक करते हुए उन्होंने फोटो शेयर किया है। और इस फोटो शेयर पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लोगों ने सिर्फ फोटोज के लिए करीब आए, बल्कि ऐसा लग ही रहा है कि इनके बीच ये जो बॉन्डिंग है, जो शेयरिंग वाला, जो प्यार वाला जो माहौल है, ये बरकरार रहने वाला है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, राघव जुयाल, जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम तीनों के लिए ही सलमान खान के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड में ये इनका पहला डेब्यूट है और वो भी डायरेक्टली सलमान खान के साथ। तो तीनों ही अपने इस न्यू मूवी के लिए एक्साइटेड तो थे, लेकिन जब कहते हैं ना जिसको सिर्फ आप अभी तक टीवी पे देख रहे होते हो उनके साथ अगर काम करने का मौका मिल जाए फिर तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो ये मोमेंट को फाइनली ये तीन लड़कों ने, यानी कि राघव, जस्सी और सिद्धार्थ ने ये मोमेंट को जिया है। साथ ही मैं बता दूं कि सलमान के बारे में आज तक ऐसी कोई भी खबरें नहीं निकली कि इसने अपने टीम के लिए, अपने जितने भी कास्टिंग टीम, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर जितने भी लोग रहते हैं जो कि मूवीज बनाने में शामिल होते, किसी के साथ भी कोई बदतमीजी की हो, आज तक सलमान का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आया है। सलमान ने अपने सारे टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा बिहेवियर बना के और बांध के रखा है। सलमान के इस बॉन्डिंग पे, सलमान का ये प्यार पे और सलमान के इस भाईचारे पे और भाईजान के इस प्यार पे आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा पूल्स।